गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल न्यू हॉरिजंस में। और जैसे आप जानते हैं कि जुफैल सर आपको काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड कर रहे हैं आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के, तो आज हम लोग बात करेंगे साइंस की। और साइंस में चैप्टर नंबर 6 है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन बोर्ड पे लाइफ प्रोसेसेस। साइंस में आपको ये 6 नंबर चैप्टर मिलेगा लाइफ प्रोसेसेस। ये चैप्टर जो है आपका बायोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर है। तो बायोलॉजी क्या है आपको मालूम ही होगा। बायोलॉजी एक ऐसी साइंस की फील्ड है जिसमें हम लिविंग बींग के बारे में स्टडी करते हैं। और लिविंग बींग, अगर कोई ऑर्गेनिज्म को आप लिविंग बींग बोलते हो तो उसके पीछे सर्टेन रीजंस होते हैं, वजह होती है। चलिए बात शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेसेस की। तो आप सब जानते हैं कि हम लोग मिल्की वे नाम की गैलेक्सी में रहते हैं। तो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स पाए जाते हैं और उन्हीं में से एक स्टार है हमारा सन। अब हमारे सन का जो सराउंडिंग में जितने प्लैनेट हैं जो उसके रिवोल्यूशन कर रहे हैं उनका टोटल नंबर है 8, यानी कि 8 तरह के ग्रह जो है वो हमारे सोलर सिस्टम में है। लेकिन इनमें एक ऐसा प्लैनेट है जो सबसे अलग है, सबसे जुदा है। उस प्लैनेट का नाम है प्लैनेट अर्थ, यानी कि हमारा प्लैनेट। तो हमारा प्लैनेट बाकी सारे प्लैनेट से अलग क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि जितने भी अदर प्लैनेट हैं तमाम हमारे सोलर सिस्टम में, उसमें किसी में भी लाइफ नहीं पाई जाती है। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लैनेट यानी प्लैनेट अर्थ पे ही लाइफ पाई जाती है। तो ये लाइफ क्या है और ये कैसे डिफर करती है बाकी चीज़ों से, तो उसको आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेस में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स क्या होते हैं। अगर आपको यही नहीं मालूम कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंसेस क्या है तो आप लाइफ प्रोसेस को समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग लिविंग बींग्स की। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की डिफरेंसेस की, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा लिविंग बींग के। तो आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट हैंड पे, जी हाँ, ये लिविंग बींग के एग्जांपल्स हैं। ये ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान। उसके अलावा देखिए आप हॉर्सेस, आप छोटे एनिमल्स में देखेंगे, देखिए एंट्स है। ये सब लिविंग बींग के एग्जाम्पल्स हैं। और फिर आपको मैं नॉन लिविंग के एग्जाम्पल देना चाहूँगा। देखिए मेरे राइट हैंड साइड पे आपको नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल दिख रहे हूँ, जी हाँ, टेबल, चेयर्स, पेंस, माउंटेन्स एक्सेट्रा, ये सब नॉन लिविंग थिंग के एग्जाम्पल हैं। तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में फ़र्क क्या है? सबसे पहला जो पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग जो है वो अपनी ही तरह की ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी हिंदी में अगर बोले तो अपने ही तरह की संतानें वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ये क्वालिटी नहीं पाई जाती, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट ये है कि लिविंग थिंग्स जो है वो रिस्पायर करते हैं, यानी कि रिस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं। और इसके लिए अलग अलग लिविंग बींग्स में अलग अलग ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसे आप बात करें ह्यूमंस की, तो इंसानों में लंग्स हैं जो कि दो होते हैं, यानी कि एक पेयर होता है उनका पूरा, और वो उनको रिस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। दूसरी तरफ आप देखिएगा फ्रॉग को, तो फ्रॉग अपनी स्किन के थ्रू रिस्पायर करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से अलग अलग एनिमल हैं, फिश है जो कि गिल्स के जरिए रिस्पायर करती है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स को आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो बिल्कुल भी रिस्पिरेशन का प्रोसेस उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि रिस्पिरेशन के जरिए ही हमें एनर्जी मिलती है और नॉन लिविंग थिंग्स को इस तरह से एनर्जी मिलना नामुमकिन है। थर्ड नंबर पॉइंट है कि लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रोथ करती है, और नॉन लिविंग थिंग जो है वो जितनी बड़ी है वो उतनी बड़ी रहेगी, उनमें कोई ग्रोथ नहीं होगा, उनकी विड्थ, लेंथ या हाइट में कोई फर्क नहीं आता। तो आप एनिमल्स को देख लें, एक सर्टेन एज तक उनकी ग्रोथ लगातार होती रहती है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में कभी भी ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, ये पेन आप देख रहे हैं मेरे राइट हैंड पे, ये पेन है, ये आज आपको जितना बड़ा दिख रहा है कल भी इतना ही दिखेगा, परसों भी इतना दिखेगा, एक महीने बाद भी इतना ही बड़ा दिखेगा, क्योंकि ये नॉन लिविंग है तो इसके अंदर ग्रोथ नहीं होगी। जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे ये ह्यूमन बेबी है, ये भी आपको थोड़ा स्मॉल साइज में दिख रहा है, और ये देखिए कुछ दिन के बाद इनका जो ग्रोथ हुआ है बॉडी का, जिसकी वजह से साइज इनका बढ़ गया है। लेकिन एक फर्क है, आप सब जानते हैं दो बहुत बड़े बड़े किंगडम है, प्लांटी यानी प्लांट्स और एनिमेलिया यानी कि जानवर। तो एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन एज तक ही होती है, उसके बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है, जबकि प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं होता, जब तक वो जिंदा रहते हैं उनकी ग्रोथ होती रहती है।
इसके पीछे कुछ टिश्यू जिम्मेदार होते हैं, जो 9th क्लास में शायद आपने पढ़ा होगा कि वो टिश्यू लगातार डिवाइड होते रहते हैं, जिसकी वजह से प्लांट लगातार ग्रोथ करते रहते हैं। तो जब बात निकली है प्लांट की और ग्रोथ की, तो मैं आपको एक फैक्ट बताता चलूँ। आप मेरे लेफ्ट हैंड पे एक डायग्राम देखेंगे, जो ये बैम्बू ट्री है और ये दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो दिन में, एक दिन में 91 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपने अभी सुनी, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के कुछ डिफरेंसेस थे। तो इसमें मैं लास्ट में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि लिविंग थिंग्स कैन फील और हैव फीलिंग्स, और उनको टच करने पर उनके अंदर जो है वो फीलिंग्स होती है, वो चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। इसका एग्जांपल एनिमल्स में आप देखते ही हैं कि वो सर्टेन मौसम या वेदर के हिसाब से रिस्पॉन्स करते हैं, और प्लांट भी रिस्पॉन्स करते हैं। आपने एक प्लांट देखा होगा जिसको हिंदी में छुई मुई कहते हैं, जिसमें टच मी नॉट, उसको आप जब टच करेंगे तो उसकी पत्तियाँ अंदर की तरफ सिकुड़ जाती है, टर्न फोल्ड हो जाती है। तो ये जो है प्लांट और एनिमल दोनों ही फीलिंग रखते हैं, और टच के प्रति, यानी जब कोई टच करता है या मौसम चेंज होते हैं तो उसका रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की। अब हम चैप्टर की मेन हेडिंग पे आते हैं, लाइफ प्रोसेस पे। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, इस डेफिनेशन को मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका समझाऊंगा कि मीनिंग क्या होता है। तो लाइफ प्रोसेस में जैसे यहाँ लिखा है, द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग बीइंग्स टू सस्टेन देमसेल्फ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। हमने जैसा कि बात किया कि लिविंग बीइंग्स सर्टेन सिम्टम्स शो करते हैं जो नॉन लिविंग नहीं शो करते। तो जितनी भी लिविंग बीइंग्स हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो छोटे से, या फिर प्लांट हो, या एनिमल्स हो, फंगी हो, एल्गी हो, या किसी भी तरह के इस तरह के एनिमल्स जो लाइफ रखते हो, उनकी बॉडी के अंदर सर्टेन प्रोसेस होते हैं, कुछ बहुत अहम प्रोसेस होते हैं, जिनके ना होने से उनकी लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। यानी उनको अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए, अपने आप को दुनिया में बनाए रखने के लिए कुछ सर्टेन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, जो उनकी बॉडी के अंदर होते रहते हैं। इन्हीं प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब क्योंकि आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और ये वीडियो 10th से रिलेटेड है, तो 10th क्लास के सिलेबस में चार तरह के प्रोसेस हैं लाइफ के, जो आपको पढ़ना है। चलिए एक बार उनको देख लेते हैं, ये चारों प्रोसेस कौन से हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन है, नंबर 2 पे है रेस्पिरेशन, नंबर 3 पे है ट्रांसपोर्ट, और नंबर 4 पे है एक्सक्रीशन। तो ये चारों प्रोसेस किसी भी लिविंग बींग के अंदर बहुत ही अहम होते हैं। तो इन चार प्रोसेस को हम लोग धीरे धीरे स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है, इसको हिंदी में पोषण कहते हैं। बहुत से बच्चे इस लफ्ज से उनको मालूम होगा या सुना होगा कई बार ये वर्ड्स। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आप देख लीजिए, द प्रोसेस बाई विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करते हैं और उस फूड से मिलने वाली एनर्जी का इस्तेमाल अपनी बॉडी के अलग अलग फंक्शंस में करते हैं। आप सबको मालूम है कि ह्यूमन बींग्स हो या प्लांट हो, कोई भी लिविंग बींग्स विदाउट फूड या विदाउट एनर्जी वो सर्वाइव नहीं कर सकते। अब जब फूड आपने ले लिया है, उस फूड का डाइजेशन होना है, इंजेशन होना है, और उसके बाद उससे मिलने वाली एनर्जी से रेस्पिरेशन में काम आते हैं, तमाम डेली एक्टिविटी हमारी जो होती है बॉडी में, ब्लड है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका ट्रांसपोर्ट होता है, इन सारी चीज़ों के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, और इस एनर्जी को यूटिलाइज करना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। जब बात चल रही है न्यूट्रिशन की, तो हम लोग एक दो इम्पोर्टेंट फैक्ट या इंटरेस्टिंग फैक्ट के ऊपर भी बात कर लेते हैं। न्यूट्रिशन के लिए जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, उनको न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। यहाँ देखिए सामने लिखा हुआ है, हिंदी में इन्हें पोषक तत्व कहा जाता है। हमारे खाने के अंदर अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन है, विटामिन है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है। तो हमारा खाना हमें ऐसा कोशिश करना चाहिए कि जिसके अंदर ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट एक साथ मौजूद हों, और अगर हमारे फूड में इस तरह के न्यूट्रिएंट प्रॉपर अमाउंट में मौजूद है, तो इसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। जी हाँ, ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा क्लास 8 में 7 में, बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट के अंदर तमाम कंपोनेंट हमारे फूड के प्रॉपर अमाउंट में जो होने चाहिए वो मौजूद है। अब आप ये भी ख्याल रखें कि आप लोग अभी उस एज में हैं जिसको बोला जाता है कि ग्रोथ का एज है, तो इस वक्त आपको प्रॉपर फूड लेना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है।
इसका खास ख्याल रखिएगा और गूगल भी कर सकते हैं, बैलेंस डाइट के बारे में ज़्यादा नॉलेज आपको वहाँ से हो जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को हमने देख लिया। अब न्यूट्रिएंट्स जो हम जिस कंट्री में रह रहे हैं इंडिया के अंदर, तो यहाँ पे आजकल एक बहुत बड़ा फैक्टर मैल न्यूट्रिशन है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन क्या होता है, ये फोटो देखिए, इसमें आपको एक छोटा बच्चा दिख रहा होगा काफ़ी कमज़ोर हालत में। जी हाँ, तो ये मैल न्यूट्रिशन का शिकार है। तो मैल न्यूट्रिशन क्या है, जब हमारी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते तो वो कुपोषित हो जाता है, जिसको इंग्लिश में मैल न्यूट्रिशन बोला जाता है। फिर उस वक्त बॉडी में अलग अलग तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कुछ एक डिजीज़ का नाम मैं आपको बताता हूँ। विटामिन की कमी से डिजीज़ होती है, आपने सुना होगा बेरी बेरी है, स्कर्वी है, फिर इसके अलावा मैरस्मस है, क्वाशरकोर है, बहुत तरह की इस तरह की बीमारियां हैं जो कि मैल न्यूट्रिशन की वजह से होती है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको समझे होंगे और अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स का पूरा देने की कोशिश करेंगे, ख्याल रखेंगे अपना भी और बाकी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएंगे, क्योंकि ये एक स्टूडेंट की जिम्मेदारी है कि इसको नॉलेज मिलने के बाद वो आगे उसको कैरी करता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं हमारे अगले पॉइंट पे, जिसको हम बोलेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमने ये चीज़ देख लिया कि लाइफ प्रोसेस में सबसे पहला जो प्रोसेस और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो है न्यूट्रिशन या पोषण। लेकिन ये कितने तरह का हो सकता है, तो इसका जवाब है न्यूट्रिशन दो तरह का हो सकता है। जी हाँ, पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात हम करें तो हिंदी में इसको बोला जाता है स्वपोषी पोषण। तो आपको मालूम है ऑटो या स्व का मतलब होता है खुद से, बाई योरसेल्फ। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो दुनिया में ऐसे बहुत कम ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हो। जी, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, हरे पेड़ हैं, वो अपना फूड खुद तैयार कर सकते हैं, इसीलिए वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। इनके अलावा कुछ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी हैं जो अपना फूड खुद तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी, जी हाँ, ब्लू और ग्रीन एल्गी, ये भी ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कि ऑटोट्रॉप्स को एक और नाम से जाना जाता है। जी वहाँ, और वो नाम है प्रोड्यूसर, यानी कि किसी भी चीज़ को उत्पन्न करने वाले, बनाने वाले। तो ये फूड बनाते हैं इसीलिए प्रोड्यूसर कहलाते हैं। अब प्रोड्यूसर जो कि चीज़ों को बना रहा है फूड को, उसके ऊपर डिपेंड जो करते हैं वो एनिमल कहलाते हैं, हेटरोट्रॉफिक एनिमल्स। तो हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो हमारा है उसमें फूड खुद से नहीं बना सकते। तो जाहिर सी बात है, जब आप मान लो अगर आपके यहाँ पर खाना बनाना नहीं आता तो क्या है, आप अपने मदर पे डिपेंड करोगे या फिर जो आपके यहाँ खाना बना सकते हैं उस पर डिपेंड करोगे। अगर कहीं आप बाहर हॉस्टल में रह रहे हो तो जाहिर सी बात है किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाओगे और उसके ऊपर डिपेंड करोगे, क्योंकि आप तो फूड नहीं बना सकते। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यहाँ पर क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हालांकि हमारे घर में खाना बनाना और एनिमल के जरिए खाना बनाना एक बहुत अलग प्रोसेस है। तो चलिए वापस आते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे। ये तीन तरह का हो सकता है। पहला आपके कोर्स में जो दिया हुआ है होलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरा सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, थर्ड है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो इनको जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं, और इस चैप्टर के बाद जब समझा रहा हूँ आपको, वीडियो के नीचे लिंक भी दिया होगा और कमेंट बॉक्स में जाके अगर आपको कुछ भी क्लियर ना हो, कहीं भी डाउट हो, तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं और हम लोग उसका आंसर आपको करेंगे। तो सबसे पहला जो न्यूट्रिशन है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन आपके कोर्स में इसके एग्जांपल में अमीबा का एग्जांपल दिया गया होगा। अमीबा इस तरह का न्यूट्रिशन करता है, और भी अदर एनिमल है जो होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर जो फूड है वो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में उसका इंजेशन होता है, उसको इनटेक किया जाता है। जी हाँ, सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में किसी फूड को लेना ही आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन में आता है। इधर आप मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ देखेंगे तो इस डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है कि अमीबा के अंदर किस तरह से न्यूट्रिशन होता है। फाइव प्रोसेसेस है, इन सबके डायग्राम आपको सामने दिख रहे हैं। जी हाँ, देखिए आपने। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। ये बहुत ही अहम और काफ़ी अलग तरह का न्यूट्रिशन है। इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सेप्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। जी हाँ, सेप्रोट्रॉफ्स। तो ये क्या होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड नहीं बना सकते, जाहिर सी बात है तभी उनको हेटरोट्रॉफ में रखा गया है। तो ये अपना फूड कहाँ से लेते हैं, ये एनिमल्स या ये प्लांट्स अपना फूड लेने के लिए किसी डेड ऑर्गेनिज्म या डिकेइंग मटीरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं।
हैं। जी हाँ, इसी मरे हुए जानवर या जो डीके होता हुआ ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उससे ही अपना फूड लेते हैं। इनके एग्जांपल बहुत से हो सकते हैं, जिनमें सबसे फेमस एग्जांपल बैक्टीरिया है, इसके अलावा यीस्ट है। जी हाँ, आपको चलिए डायग्राम में दिखाते हुए चलते हैं। ये देखिए बैक्टीरिया सेप्रोट्रॉफ्स है, ये देखिए यीस्ट सेप्रोट्रॉफ्स है, और इसके बाद ये रहा मशरूम। जी हाँ, ये भी एक सेप्रोट्रॉफ्स है क्योंकि ये डिकेइंग मटेरियल पे उगते हैं। मशरूम आपने देखा होगा कि लकड़ी की लट्ठों पर या इस तरह की चीज़ों पे, और फंगस, क्योंकि मशरूम एक फंगस है, ब्रेड वगैरह पे फंगस निकलते देखा होगा, तो ये सब सेप्रोट्रॉफ्स के अंदर आते हैं। अच्छा, सेप्रोट्रॉफ्स का होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखते हैं, और जो डिकेइंग एनिमल है या डेड एनिमल है उनकी बॉडी को सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको कि प्लांट रिसाइकल करके वापस से एटमॉस्फेयर में फ्री कर देते हैं। तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत काम आते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। लास्ट जो हमारा न्यूट्रिशन है वो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट्स और पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है? थोड़ा सा अलग टाइप का न्यूट्रिशन है ये। इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो अपना फूड या अपना न्यूट्रिशन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहकर या उसके अंदर रहकर प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। तो पैरासाइट इस बेस पे अगर हम देखें कि वो बॉडी के बाहर रह रहे हैं या बॉडी के अंदर रह रहे हैं, तो इस बेस पे दो तरह का न्यूट्रिशन हो सकता है। पैरासाइट्स दो तरह के हो सकते हैं, पहले है इंटरनल पैरासाइट और दूसरे है एक्सटर्नल पैरासाइट। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि इसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर या बॉडी के अंदर रहकर न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है जो आपकी बॉडी या आपके बॉडी के अंदर जाएगा उसको हम लोग पैरासाइट कहेंगे, और जिसकी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये रहेंगे या उनकी बॉडी के ऊपर रहकर उनसे फूड लेंगे उसको होस्ट कहेंगे। तो एक बहुत कॉमन एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, आप इसको देख रहे होंगे। जी हाँ, ये है मॉस्किटो, ये एक तरह का पैरासाइट है, और ये रहा इसका होस्ट ह्यूमन बींग्स यानी इंसान। तो मॉस्किटो किस तरह का पैरासाइट है? ये एक एक्सटर्नल पैरासाइट है, ये हमारी बॉडी से ही ब्लड सक करता है, और क्योंकि ये हमारे ऊपर डिपेंड है हम इसके होस्ट कहलाते हैं। अब मॉस्किटो के कई होस्ट हो सकते हैं जिनमें से एक ह्यूमन बींग्स भी है। मॉस्किटो के बारे में आप लोगों ने बचपन में एक सवाल सुना होगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत से लोगों ने कई बार पूछा, मुझसे भी पूछते लोग कि मच्छर के कितने दांत होते हैं, आपने भी सुना होगा इसके बारे में। तो मैं आज आपको ये डाउट क्लियर कर दूँ कि मॉस्किटोज डू नॉट हैव टीथ, उनके दांत नहीं होते। हाँ, दांतों की तरह के शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो टीथ की तरह ही दिखते हैं या वैसे ही वर्क परफॉर्म करते हैं, उनका नंबर होता है टोटल 47। जी हाँ, लेकिन वो टीथ नहीं है, वही उनको टीथ नहीं कह सकते आप, हाँ टीथ लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, और वो प्रोबोस्किस में उनके पाए जाते हैं। अब प्रोबोस्किस क्या होता है? ये मॉस्किटो के माउथ पार्ट है, इसको आप इंटर क्लास में आपको मिलेगा 12th के अंदर, वहाँ देखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं एक्सटर्नल पैरासाइट की। जैसा कि हमने भी कहा मॉस्किटो एक एक्सटर्नल पैरासाइट है। नंबर टू पे आप देखिए, मेरे सामने यहाँ पे डायग्राम आपको दिखाई देगा, ये है लीच। जी हाँ, ये भी ब्लड सकिंग एनिमल है, ये भी एक तरह का एक्सटर्नल पैरासाइट है। तो ये बॉडी से बाहर से रहकर उससे फूड ऑब्टेन करते हैं, ब्लड सक करते हैं। और अब हम चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ, यानी कि इंटरनल पैरासाइट्स पे। तो इंटरनल पैरासाइट्स क्या होते हैं? नाम से ही आपको जाहिर हो गया, अंतःपरजीवी आपकी बॉडी के अंदर रहते हैं और वहीं से ये ब्लड सक करते हैं या अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो बहुत से होस्ट हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स है, गोट्स है, रैबिट्स है, रैट्स है, इन तमाम जानवरों में या और भी प्लांट वगैरह में भी आप देखेंगे कि पैरासाइट पाए जाते हैं, उनकी बॉडी के अंदर रहकर ये अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। कुछ एग्जांपल आपको दे देता हूँ। तो एग्जांपल में एस्कैरिस, या सामने इसका डायग्राम देख रहे हैं, इंटरनल पैरासाइट है एक तरह का। हुक वॉर्म, ये भी एक तरह का इंटरनल पैरासाइट है। ये देखिए आपके सामने दिख रहा होगा एंट अमीबा जिंजिवेलस, ये हमारे गम्स में पाया जाता है, तो ये भी एक तरह का इंटरनल पैरासाइट है। काफ़ी डिटेल सब टॉपिक है, बहुत कुछ इसमें बताया जा सकता है, लेकिन क्योंकि टाइम लिमिटेड है आपके कोर्स को भी ध्यान में रखना है। तो आज का ये हमारा वीडियो था, ये बायोलॉजी से जुड़ा हुआ पहला वीडियो था क्लास 10th का। उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, समझ आई होंगी, और किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे जाकर पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को आपको
अगर इनकी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे तो हम लोग को भी इंस्पिरेशन मिलेगी। क्योंकि बात में एनर्जी की कर रहा था तो एनर्जी का एक फॉर्मूला है कि एनर्जी हमेशा ट्रांसफॉर्म होती है, तो आपकी एनर्जी हमारे में ट्रांसफॉर्म होगी तो हम और बेहतर और अच्छे वीडियो बना पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। थैंक यू। मुलाकात होगी अगले नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।